सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए कई सवाल बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर देखी क्या कुछ कहा। स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है और अगर ये सब वापस आ जाए तो पब्लिक पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैंने सिर्फ केस स्टडी किया है भैया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज कैट की रिपोर्ट में दिखाया गया है, जो अगर रेगुलराइज किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि न केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स फ्री होगा मगर देश को टैक्स फ्री करने की ताकत महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है। इतनी जमीन प्राइम लोकेशन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत ही कम दामों में किराए पे दी गई है। इसके साथ ही इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे, मगर इन्होंने वो रेगुलराइज किया नहीं है। ये बात फिर एक बार कैग की रिपोर्ट में आई है, इसलिए हमने इस पर निर्णय लिया है कि इस चीज को हम कंटेम्प्ट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इसकी नोटिस बाकायदा निकल चुकी है और इसके साथ ही हमको ये लगता है कि ये जो केस है ये सिर्फ महाराष्ट्र की सीमित नहीं है कि केंद्र सरकार की भी बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो बहुत ही ट्रिपल रेट पे दी गई हैं। अशोका होटल चाणक्यपुरी का आप जानते हैं, वो भी होटल बहुत ही कम दामों में केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। ऐसी काफी प्रॉपर्टीज केंद्र सरकार की हैं जो केंद्र सरकार अगर सही दामों में लगाए तो केंद्र सरकार टैक्स फ्री हो जाएगी। केंद्र सरकार को लगता है सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपए बजट के तौर पे जो टैक्स से और बाहर के कर्जे से सरकार चला रही है, लेकिन अगर इस तरह से जैसे महाराष्ट्र की बात हमने की है, यही प्रिंसिपल अगर देश फॉलो करता है तो देश को कम से कम 200 से 300 लाख करोड़ रुपया ऐसे मिल जाएगा जिसकी वजह से टैक्स लेने की देश को जरूरत नहीं पड़ेगी और आम आदमी के ऊपर का बोझ हट जाएगा। मन्नत का क्या मामला है सर? मन्नत जो बिल्डिंग है शाहरुख खान की, वो जो बिल्डिंग है वो सरकारी जमीन है। बाकायदा वो सरकारी जमीन पहले 99 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 30 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 20 साल की लीज पे दी गई थी और ऐसे करते 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 वो लीज 2012 में अब खत्म हो चुका है। इसका जिक्र कैग ने किया है कि शाहरुख खान जहां रह रहे हैं वो जमीन जो है वो सरकारी है, उसको वापस लेना चाहिए या तो उसके ऊपर सब पार्टियों में रसूख रहा है, सब दलों में रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कभी कोई पार्टी किया जाए, कोई सरकार आ जाए, सरकारें बदली लेकिन उन 200 प्रॉपर्टियों का रसूख नहीं बदला, उन 200 प्रॉपर्टियों के बारे में जांच नहीं हुई, उन 200 प्रॉपर्टियों की रिकवरी नहीं हुई, 200 प्रॉपर्टियों से रेंट या टेनेंट या कुछ बढ़ाया नहीं गया, पैसे की वसूली नहीं की गई, टैक्स तो पापड़ पे भी लगा दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन जो पैसा हजारों हजार करोड़ रुपए आ सकता था, इजीली आ सकता था, महाराष्ट्र की जमीन का था, महाराष्ट्र की जनता का था, महाराष्ट्र की सरकार का उस पर अधिकार था, उसकी कहीं कोई वसूली नहीं हुई, कोई भी सरकारें आई, लेकिन हमारा वर्तमान सरकार है, हमारा तो वर्तमान सरकार की जो भी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, उन पर सीधे कैग रिपोर्ट के आधार पर हमारे सबूत सीधे है, कैग रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, हमारे प्रश्न कोई हमें कुछ प्रूफ नहीं करना। कैग रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही महाराष्ट्र सरकार ने 2013, 2018, 2019 इनकी रिपोर्टें हैं कैग की, उनमें साफ तौर पर बेमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, पैसे को हड़पा गया, लोगों को अनुचित गैर कानूनी इलीगल तरीके से फायदा पहुंचाने के हजारों हजार करोड़ की जमीन उनको सौंपे रखी, ना वसूली हुई, ना उसे किराया लिया गया, ना उसे किसी तरह की रिकवरी हुई, ना ट्रस्ट है उसके नाम पे, जबकि ट्रस्ट के नाम पे जमीनें ली गई, वहाँ प्राइवेट कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ मॉल बने हुए हैं, वहाँ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वहाँ इंडस्ट्री चल रही है, जो कि पूरी तरह से डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। इसी आधार पर हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को आप लोग रखें और आगे हर्षवर्धन यादव जी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका इसी आधार पर इस केस में लगेगी और हमने इस बात की सूचना, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को जाती है, उनको सबमिट होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कमियां, उनके मंत्रिमंडल की कमियां, उनका भ्रष्टाचार उजागर कौन करेगा। हमारा भारत का संविधान ऐसी विधि व्यवस्था रखता है कि जैसे देश के महामहिम राष्ट्रपति की नजर पैनी और तीखी नजर देश पर रहती है, उसी तरह से राज्य सरकार के मामले में उस राज्य के महाराष्ट्र के महामहिम गवर्नर साहब है, उनको भी हमने नोटिस किया हुआ है कि वो भी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि कैग रिपोर्ट डायरेक्ट रूप से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट किसी भी राज्य के महामहिम गवर्नर साहब से संबंधित होती है और उनको धन्यवाद। आपको फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ एक केस स्टडी है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ सकता है जो हम बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर महाराष्ट्र एक छोटा सा राज्य
अगर देश को चलाने की ताकत रखता है तो देश की प्रॉपर्टीज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। और साथ में जो जवाब आप क्या पूछना चाह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में और कब तक उनको जवाब देना है? क्योंकि कैग कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बाध्य करती है प्रदेश के गवर्नर, महामहिम गवर्नर साहब को दी गई रिपोर्ट सौंपी गई, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। 19 से 13 से 19 आ गई, 20 21 22 आ गई, रिपोर्ट चल रही है, विधानसभा चल रही है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, ये संपत्ति के साथ गलत है, करप्शन है, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है जिसकी वजह से इतनी इतनी प्रॉपर्टियां, 200 प्रॉपर्टी का तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। और जो शाहरुख खान वाली प्रॉपर्टी की वो भी 2012 में खत्म हो चुका है। 12 से ऐसे क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही, क्या सरकार की मजबूरियां रही, कोई ना कोई तो मजबूरियां रही होगी, कोई तो यूं ही कोई तो बेवफा नहीं होता। अगर बेवफाई आई है महाराष्ट्र की जनता के लिए महाराष्ट्र सरकार की, तो ऐसी क्या मजबूरियां रही, वो इंटरनल क्या समझौते हैं, वो गुप्त क्या है कि जो 12 के बाद ओपन नहीं हो पा रहा, 22 तक 10 वर्ष हो चुके हैं शाहरुख खान को वहां रहते हुए, जिस पर कोई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी के रेट कहां पहुंच गए, क्या क्या हुआ, सब कुछ सबके सामने है। तो ऐसी स्थिति में इसी तरह और भी प्रॉपर्टियां हैं जो राजनीतिक चंगुल में फंस के जो लोगों को दी गई हैं और राजनीतिक जिसका लाभ ले रहे हैं, राजनीति से संबंधित लाभ ले रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र की जनता के विरोध में है। कैग रिपोर्ट कह रही है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्यों में भी बातें आएंगी। अभी हमने महाराष्ट्र सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको लीगल नोटिस दिया है, जो कि उनको सर्व हो गया है, मिल गया है, जो इसकी कॉपी है आपके सामने। अब इसी आधार पर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे, जिस आधार पर दूध का दूध पानी पानी होगा। और इस देश में संविधान से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना शाहरुख खान है ना कोई है। गरीब की भी सुनी जाती है और अमीर के लिए भी कानून और कोर्ट बनी।